नंबर वन, मिर्ची काटने से पहले अपने हाथों को वनस्पति तेल से रगड़ें, इससे जलन नहीं होगी। नंबर टू, अपने हाथों से खाने की किसी भी अजीब गंध को दूर करने के लिए उन्हें नमक से धोना या स्टेनलेस स्टील के नल पर अपने हाथों के रगड़ने से गंध दूर हो जाती है। आप फ्लॉपी पॉपकॉर्न के लिए पॉपकॉर्न के दानों को 10 मिनट के लिए पानी में भिगोकर छान सकते हैं, इससे पॉपकॉर्न के दाने फ्लॉपी हो जाते हैं। नंबर फोर, आलू का चोखा, बैगन का भरता, जिमीकंद की चटनी में लहसुन अदरक का छौंक लगाते हैं। लहसुन अदरक का छौंक लगाते समय इन्हें पीसा नहीं जाता, बल्कि काटकर डालना चाहिए। नंबर फाइव, खाना पकाने के अंत में फ्रेश हर्ब्स डालें, इससे उनका स्वाद आने में मदद मिलती है और उनका रंग खराब होने से बच जाता है। नंबर सिक्स, खसखस को मिक्सी में पीस रहे हैं तो इसे 10 से 15 मिनट तक गर्म पानी में भिगोकर रखें। नंबर सेवन, पनीर या केक जैसी नरम चीज़ों को काटने के लिए खुशबू वाले फ्लॉन्स का उपयोग करें। नंबर एट, अपने मक्खन को फ्रीजर में रखें और फिर बेकिंग और पेस्ट्री के लिए इसे कद्दूकस कर लें। यह आटे में आसानी से मिल जाता है और जल्दी पिघल जाता है। नंबर नाइन, एक कप दाल बनाने के लिए दाल के प्रकार के आधार पर कम से कम 2 से 3 कप पानी डालें। नंबर 10, शहद और सिरप जैसी चिपचिपी सामग्री को मापने से पहले मापने वाले कपों में स्प्रे एंड कुक का उपयोग करने से वे तुरंत बाहर निकल जाते हैं। नंबर 11, फ्राइज राइस बनाते समय सबसे पहले पैन में एक अंडा को पकाकर तैयार कर लें। यदि आप पहले अंडे को पैन में डालते हैं तो बाद में जब आप पकाएंगे तो कुछ भी पैन पर नहीं चिपकेगा। नंबर 12, पास्ता को पकाने के बाद उसे ना धोएं। यदि आप अपने पास्ता से स्टार्च मॉलिक्यूल्स को धोते हैं तो सॉस को उस पर चिपकने में कठिनाई होगी। नंबर 13, यदि आप अपनी कुकीज को पुनर्जीवित या फ्रेश करना चाहते हैं तो जो सख्त हो गई है तो बस उन्हें नरम ब्रेड के ताज़ा टुकड़ों के साथ एक कंटेनर में रखें। कुकीज कुछ ही समय में ब्रेड की नमी को सोख लेगी। नंबर 14, जब आप सलाद सजा रहे हो तो एक से अधिक प्रकार के सिरके का उपयोग करें। कुछ सिरके अधिक एसिडिक होते हैं जबकि अन्य अधिक मीठे होते हैं। अपने सलाद की सभी सामग्रियों को पूरा करने के लिए एक से अधिक सिरका मिलाएं। नंबर 15, चिकन को कमरे के तापमान पर लाएं और मसाला लगाने से पहले थपथपाकर सुखा लें। इससे मसाला चिकन पर बेहतर तरीके से चिपक जाएगा और समान रूप से पकना सुनिश्चित हो जाएगा। नंबर 16, अपना स्टेक पकाना समाप्त करने के बाद मांस को कुछ देर के लिए रख दें। ग्रिल या पैन में ताज़ा मांस को काटने में जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उसका सारा स्वादिष्ट रस बाहर निकल जाएगा। इसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। नंबर 17, ग्रेवी के स्वाद को अधिक स्वादिष्ट और गाढ़ी बनाने के लिए या तो दूध, मलाई या काजू के पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 18, जब तक पानी उबलकर तैयार ना हो जाए तब तक अपना पास्ता ना डालें। पास्ता को बहुत जल्दी डालने से यह चिपचिपा हो सकता है, जो आप निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे। नंबर 19, पाई का आटा बनाते समय मक्खन के छोटे छोटे टुकड़े निकालने के लिए कद्दूकस का उपयोग करें। नंबर 20, यदि आप किसी चीज को ब्राउन करना चाहते हैं तो पैन को ज़्यादा ना भरें। आपके पास
समय की कमी है यदि तो आप अपना सारा खाना एक ही पैन में डालने की कोशिश करते हैं तो तापमान गिर जाएगा और आपको वह अच्छी पकी हुई बाहरी परत नहीं मिलेगी जैसा आप चाहते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों और परिवार में शेयर करें और मेरे ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर टच कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।